हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे हु डेट पैट्रिक होमवर्क। ये स्टोरी शुरू होती है पैट्रिक से, जिसको स्कूल का होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है और उसको हॉकी खेलना भी अच्छा लगता है। पैट्रिक के टीचर पैट्रिक को हर बार यही बोलते हैं कि पैट्रिक, तुम थोड़ा ध्यान दिया करो स्टडी में, अगर ऐसे करोगे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट किया करो। पर यहाँ पैट्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आता जब वो होमवर्क करने बैठता है तो, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन गेम्स में लगता है, हॉकी में लगता है, जो भी उसको पसंद है खेलना उसमें लगता है। इसलिए पैट्रिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होमवर्क करना। उसको समझ में भी नहीं आता कि किस तरह से होमवर्क को सॉल्व करें या होमवर्क को करूँ मैं। अब एक दिन क्या होता है, पैट्रिक के रूम में ना एक बिल्ली होती है और वो बिल्ली एक डॉल से खेलती है। तो वहाँ पे पैट्रिक आता है और उस डॉल को खींचता है और उसको वहाँ से दूर फेंक देता है। ठीक है, बिल्ली वहाँ से चली जाती है। पैट्रिक थोड़ा सा आगे आता है तो वो डॉल को देखता है, पर वो डॉल नहीं होती, वो छोटा सा, आप बोल सकते हो बोना इंसान होता है, जो छोटे छोटे बोने टाइप के इंसान होते हैं ना, आदमी टाइप के, तो वो होता है और वो ज़िंदा भी होता है और उसने छोटे छोटे कपड़े पहन के रखे होते हैं और उसने हैट भी पहन के रखी होती है उस बोने आदमी ने। वो जो बोना आदमी है वो ना पैट्रिक से रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम मेरी जान इस बिल्ली से बचा दो और मैं ना तुमको विश दूंगा, मतलब तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा, बस तुम मुझे इस बिल्ली से बचा दो। तो पैट्रिक सोचता है ये बहुत अच्छा मौका है, इससे अपना होमवर्क मैं पूरा करवा लूँगा, ये तो बहुत ही मज़ा आ गया सुन के। पैट्रिक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बिल्ली से बचा लूँगा, पर तुमको ना मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब उस आदमी ने, बोने आदमी ने ये सुना होमवर्क, तब उसने ना अपने मुँह को एकदम से सिकोड़ लिया। जैसे आपने किचन में कपड़ा देखा होगा कि वो जब हम लोग कुछ साफ़ करते तो वो सिकुड़ जाता है, वैसे ही उस बोने आदमी ने अपना मुंह को सिकोड़ लिया और उस आदमी को ना, बोने आदमी को गुस्सा भी आने लगा और वो मना ही करने वाला था, पर उसने सोचा कि ये फिर मुझे बिल्ली से नहीं बचाएगा और ये बिल्ली ना मुझे खा जाएगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। और उसने पैट्रिक को बोल दिया ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँगा। अब यहाँ पर पैट्रिक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो सोचता है कि चलो सही है, मेरे ना 35 डेज के बाद सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएंगे, उससे पहले मेरा होमवर्क भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, पैट्रिक बुक्स वगैरह ले आता है, ठीक है, उस छोटे बूने आदमी के पास होमवर्क करवाने के लिए। अब यहाँ पर वो जो छोटा आदमी था ना, वो पैट्रिक को बहुत परेशान करने लगता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रही, जाओ तुम डिक्शनरी लेके आओ या फिर ऐसा करो रहने दो, तुम मुझे ना एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के सुनाओ, मुझे बताओ इसकी मीनिंग क्या है, तब मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब कैसे भी करके वो होमवर्क करता है, फिर दूसरी बुक लेके आता है जिसमें उसको होमवर्क करना था, अब ये मैथ्स था, ठीक है। तो यहाँ बोना बोलता है, वो छोटा सा आदमी बोलता है, अब ये क्या है, वो चिल्ला के बोलता है, अब ये क्या है, ये टेबल्स क्या होते हैं, ये माइनस और ये डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो मैंने कभी अपनी लाइफ में किया ही नहीं है और कभी मुझे इन सब चीज़ों की नीड ही नहीं हुई है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या तुम मेरी कुछ हेल्प करोगे। यहाँ बोना आदमी पैट्रिक से बोलता है क्या तुम मुझे कुछ हेल्प करोगे, तुम मुझे हेल्प करो मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। अब बारी आती है हिस्ट्री की, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता छोटे बोने को, तो बोलता है ये हिस्ट्री मेरे लिए मिस्ट्री बन चुकी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो ना पैट्रिक को इतना दौड़ाता है, वो बोलता है तुम जाओ ये वाली बुक ले आओ, तुम वो वाली बुक ले आओ, और बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। और फाइनली यहाँ पर पैट्रिक का सारा होमवर्क हो चुका होता है। अब स्कूल का लास्ट दिन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा थका होता है,
इतना थका होता है कि जब भी वो स्कूल जाता था तो वहाँ पर भी वो उसको झपकी आ जाती थी, उसको नींद आ जाती थी। अब यहाँ पर जो बोना इंसान था, छोटा आदमी था, अब वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो वो क्या करता है कि जब पैट्रिक सोता है ना, तो वो चुपचाप गेट से बाहर चला जाता है, वो निकल जाता है, आज़ाद हो जाता है। और पैट्रिक जब अपने स्कूल में जाता है तो स्कूल में सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पैट्रिक को A+ मिलता है, उसको ए मिलता है। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं पैट्रिक के, वो सब हैरान हो जाते हैं कि मतलब पैट्रिक को तो होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था और मतलब इसके तो ए आए हैं। टीचर्स भी सारी खुश हो जाती हैं, ठीक है, वो भी जितने भी टीचर्स होते हैं सब हैप्पी हो जाते हैं। और पैट्रिक के जो पेरेंट्स होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं पैट्रिक को क्या हो गया एकदम से। और पैट्रिक के अंदर एक नया एटीट्यूड आ जाता है और पैट्रिक अपने रूम को भी अच्छी तरीके से क्लीन, नीट एंड क्लीन करके रखता है और सबसे अच्छी तरीके से बात भी करता है, चिड़चिड़ बिल्कुल नहीं करता। उसके अंदर एक नया बदलाव आ जाता है और पैट्रिक एक अच्छा बच्चा बन के रहने लगता है। अब यहाँ लास्ट में ऑथर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं आप लोगों को एक सीक्रेट की बात बताता हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि जितना भी होमवर्क है वो सब उस छोटी बोनी आदमी ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ये जितना भी होमवर्क किया था ना, वो पैट्रिक ने किया था। वो तो छोटा जो बोना आदमी था उसको बार बार बोल रहा था कि मुझे इसमें हेल्प करो, मुझे उसमें हेल्प करो, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं था। इसलिए पैट्रिक जो बता रहा था तो वो लिख रहा था। तो ये जितना भी होमवर्क था वो सब पैट्रिक ने ही किया था। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।